हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन और ये घंटी का आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो Facebook पे इन दिनों आग की तरह फैलता जा रहा है। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है 5 दिन में कि इतनी फेमस तो एंग्री बर्ड और टेम्पल रन भी जब गेम आई थी तब नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये एप्लीकेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन का आप कैसे यूज़ कर सकते हो और किस पर्पज़ के लिए आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी दिखा देता हूं कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से फेमस हो रही है। ठीक है, तो ये रही वो न्यूज़। न्यूज़ के हिसाब से यहां पर लिखा हुआ है, फेसबुक पर आग की तरह फैल रहा है, आप भी जान लीजिए क्या ये। सारहा इस एप्लीकेशन का नाम है और काफी अच्छी एप्लीकेशन इसको बताया जा रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि इस पे आप एक तरीके से अपनी आईडी को छुपा सकते हो और आपको जो भी मैसेज कोई भी भेजेगा आपकी आईडी पर, दोस्तों वो पता नहीं लगेगी कि किसने भेजा है। वहाँ पर कोई नाम नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, ईमेल नहीं होगा और एक तरीके से आप छुप के बातें कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से आपको यूज़ करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सर्च बार में इस एप्लीकेशन को आप सर्च कर लेना। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, ये आपको मैं स्पेलिंग दिखा दे रहा हूँ, SARAHA। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है सिर्फ 5 दिन हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3.0 इसकी रेटिंग है। रेटिंग तो काफी कम बताई जा रही है क्योंकि लोगों को इस एप्लीकेशन का यूज ही समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से करना है, लेकिन जिन लोगों को इसका यूज समझ में आ गया है वो इस एप्लीकेशन का धड़ाधड़ यूज किए जा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इस एप्लीकेशन का आपको यूज किस तरीके से करना है और आईडी यहां पर कैसे बनानी है। ठीक है दोस्तों, आईडी बनाते हुए मुझे देख लेना किस तरीके से ये आईडी बनती है, क्योंकि ये बनाने का स्टाइल आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने सबकी वीडियो यूट्यूब पर चेक कर ली है, सबने आईडी बनाने का तरीका एकदम गलत बताया। मैं आपको सही बताऊंगा कि किस तरीके से आईडी भी यहां पर अपनी मर्जी से बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन हो रहा है। यहां पर आप देख लीजिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है, तो ये आगे बढ़ना है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको ये ईमेल और यूजर नेम कह रहा है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यूजर नेम में आपको एक यूनिक नेम डालना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नाम डालना है जो इस सर्वर पे अवेलेबल ना हो। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, मेरे चैनल का नाम क्रेजी ज्ञान है, तो मैंने डाल दिया और इसे चलिए चेक कर लेते हैं। और ये देख लीजिए, ये नाम अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ नेम में आप कुछ भी नाम डाल दीजिएगा, अपना भी नाम डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो मैं आगे बताऊंगा वो देख लीजिए, मैंने निखिल डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल में दोस्तों सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी, यहाँ पर कुछ भी ईमेल में डाल दीजिए, किसी का भी ईमेल डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन चेक ही नहीं होती है। तो सबसे अच्छी बात है, यहां पर आप अपना ईमेल मत डालिएगा, कुछ भी आपके मन में जो भी ईमेल आ रहा है वो डाल दीजिएगा। चलिए हम अपनी तरफ से बना के ईमेल डाल देते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं nikhil77@gmail.com। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड में भी आपको जो मर्जी पासवर्ड आ रहा है वो आप डाल सकते हैं। यहां पर मैं निखिल डाल देता हूं और 007 डाल देता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं दोबारा निखिल और 007 डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, आई एग्री पे क्लिक कर देना। उसके बाद नोटिफिकेशन पे भी आपको क्लिक ही रखना है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। एक फेक ईमेल से हमने इसे बना लिया। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि आपको फेक ईमेल यूज़ करना है, यानी अपना ईमेल यूज़ नहीं करना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ईमेल डाल दीजिए, किसी का भी डाल दीजिए, सब चलता है, क्योंकि यहाँ पर ईमेल वेरीफाई नहीं होता, तो आप इसका एक तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन साउंड है इसे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से बैक चली जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं crazygyaan.sarahah.com एक तरीके से ये आपको लिंक मिल चुका है। दोस्तों इसी लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ताकि जब वो आपको कोई भी एसएमएस भेजे तो वहां पर कोई भी नाम, नंबर या ईमेल ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों जब भी आपको कोई कुछ भी भेजेगा तो वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, सिर्फ एसएमएस ही लिखा हुआ होगा और एक तरीके से उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगी। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने खास दोस्त या गर्लफ्रेंड से बातें कर सकते हैं और उसके पास जब आप कोई मैसेज भेजेंगे तो उसके किसी भी फैमिली मेंबर को पता नहीं चल सकता कि ये एसएमएस किसकी तरफ से आया। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि इस एप्लीकेशन का आपको किस तरीके से यूज करना है। तो सिंपली दोस्तों इस लिंक को यूज करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि ये आपके सामने ढेरों सारे ऑप्शन खोल देगा। उसके बाद क्या करना है, मान के चलिए दोस्तों हम इसका यूज व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अपना व्हाट्सएप ओपन कर लूंगा इस तरीके से।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये लिंक मैं जिसके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ व्हाट्सएप पे, उसको ये लिंक मैं सेंड कर दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ दोस्तों, ये लिंक मैंने पहले भी सेंड किया, और दोस्तों मैं आपको फिर भी ये लिंक सेंड करते हुए दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस लिंक का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक जो है ये सेंड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये लिंक आपने जिसके साथ भी सेंड किया होगा ना दोस्तों, वो अपना व्हाट्सएप ओपन करेगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। यहाँ पर चलिए हम दूसरा अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा व्हाट्सएप है ये ओपन हो चुका। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिंक है ये हमारे पास आ चुका है, और ये लिंक आपने जिसके साथ भी शेयर किया होगा वो क्या करेगा, इस लिंक के ऊपर उसको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ब्राउजर चूज कर लेना है, यहाँ पर मैं सिंपल वाला ब्राउजर चूज कर लेता हूँ। और इसके बाद ये हमें उस वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा जो सारा की वेबसाइट है। उसके बाद मान के चलिए आपकी गर्लफ्रेंड या आपका दोस्त आपको कोई भी मैसेज लिखना चाहता है, या जिसके साथ भी आपने ये लिंक शेयर किया है वो आपको कोई भी मैसेज लिखेगा इस तरीके से, जैसे हम हाई लिख देते हैं, और सेंड कर देगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और ये हमें थैंक यू भी कह रहा है कि जो एसएमएस आपने भेजा है वो पहुंच चुका है। चलिए हम उस एप्लीकेशन में जाके वो मैसेज पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कौन सा मैसेज आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसेज जो हमारे पास आया होगा वो पहुंच चुका होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास जो मैसेज है वो आ चुका है, सिर्फ 18 सेकंड एगो दिखा रहा है, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, ना नाम दिखा रहा है, ना नंबर दिखा रहा है, और ना ही कोई ईमेल एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, मैंने जो आपको बताया है कि फेक ईमेल यूज करना है, अपनी मर्जी से कोई भी ईमेल बना के आप यूज कर सकते हैं, वो जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको अपना ओरिजिनल ईमेल नहीं डालना, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये बात सिर्फ मैंने आपको बता दी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो और जो एप्लीकेशन है दोनों ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।